गाइस वेलकम टू मेरे चैनल ओमका मोटो व्लॉग्स। और आज मैं जाने वाला हूँ बारवी डैम। बारवी डैम करके डैम है नॉर्मली, जहाँ पे मतलब अच्छी प्लेस है, देखने लायक है, टाइम पास होने के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है वो, इसलिए आज मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो वहाँ पे जाना था तो इसलिए सोच लिया कि थोड़ा सा व्लॉग क्यों ना बनाया जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाने के लिए भी उसी इंटेंशन से जाने वाला हूँ। और अगर आप मुंबई में रहने वाले होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुंबई में बहुत ही गर्मी है गाइस फिलहाल के लिए। डोंबिवली में तो 43 डिग्री सेल्सियस चालू है, वाट लग रही है, फटके हाथ में आ रहे हैं, फिर भी जा रहा हूँ दोपहर के टाइम। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बारवी डैम के लिए, बारवी डैम जाके आपको डायरेक्ट मिलता हूँ। और गाइस आपको मैंने पिछले बार बताया था कि मैंने एक एसजे कैम 4000 लिया है, कैमरा लिया है एक्शन कैमरा। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये मेरा फ्रेंड है, इसके साथ मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद मेरी गाड़ी में मतलब सब कुछ ओके होने के बाद हम लोग निकलेंगे। और अभी मैं डायरेक्ट आपको गाड़ी पे मिलता हूँ, चलते हैं। लास्ट टाइम चेकिंग, कैमरा चालू है कि आपके सामने। कैमरा मेरा ये फेंक दो, चालू ही नहीं हो रहा है। चलिए निकलते हैं। आई थिंक थोड़ा प्लान में चेंजेस है, और ऐसा बात करूँ मैं प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस है गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं उपवन लेक के लिए, बारवी डैम के लिए नहीं जा रहे हैं। थोड़ा बहुत प्लान में चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं बारवी डैम में इतना कोई देखने लायक नहीं है। अच्छा, तो आप अगले टाइम जाएंगे तो देखेंगे। तो अभी के लिए तो हम लोग जा रहे हैं उपवन लेक, और गूगल आंटी बुम्बल रही है पीछे से। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। हेलो गाइस, तो आज अभी फिलहाल के लिए तो मैं जा रहा हूँ, जैसे कि आपको बताया, अब तक हम लोग फिक्स नहीं किया है कि बारवी डैम जाए या फिर उपवन लेक जाए, देखते हैं। अब तक फिक्स तो नहीं हुआ है, आई थिंक हम लोग उपवन लेक के लिए ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे देखने लायक जगह है और 30 किलोमीटर से गाइस टेंशन भी नहीं है, एक घंटे में पहुँच जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे ये वाले तो। और अभी तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ पेट्रोल फिल करने के लिए। अब पेट्रोल वैसे है थोड़ा सा, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए अभी जब इनका पेट्रोल पंप हमारे यहाँ बहुत फेमस पेट्रोल फिल करने का। तो गाइस फाइनली आई डिसाइडेड जाते हैं उपवन लेक, क्योंकि बारवी डैम तो कहीं बदलापुर में ही है, मुंबई है। ओके, मेरे को कुछ जाने का था उपवन, पहले वाकई ट्रेन से जाते हैं, मैंने सोचा भाई ट्रेन से क्या जा रहे हैं, मजा आया जब गाड़ी से जा रहे हैं मजा आया। तो मतलब गाड़ी तो निकालिए, राइडिंग के लिए टाइम ले लिए, तो जाते हैं उपवन लेक। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि जाते हैं उपवन लेक। तो गाइस अभी तो फिलहाल के लिए मैं हूँ आई थिंक मुंब्रा के यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास मुंब्रा देवी दिख रही है, इसके बारे में मैं वनपुर में बनाऊंगा। अगर आपको दिखने की मालूम नहीं, वहाँ पे जो है मुंब्रा देवी है, और अभी ये पूरा जो है मुंब्रा ही है और अंगाती वाला। ओके मैन, तो अभी फिलहाल के लिए थाने पहुँचने के लिए और आधा घंटा लगेगा, वैसे भी एक घंटा लगता है, अभी और आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा का रास्ता कम्प्लीट हो चुका है और ये रास्ता बहुत ही खराब है,
गाइस एंजॉय दैट व्यू मैन, क्या व्यू है यहाँ पे यार। आते टाइम घर फोटोग्राफी करेंगे हम लोग, जा रहे हैं देखो भाई व्यू। अगर आप तो आए दो कैमरे का जब भी हाल में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है आपको परफेक्टली, लेकिन सीरियसली में रियली में बहुत समय देख लो भाई। यान ऑन हो गया क्या? हाँ हो गया। गाइस फाइनली वी रीच थाने और मेरा पहला फोटो ब्लॉग होने वाला है मेरे चैनल के लिए, और मैं इतना खुश हूँ आपको नहीं समझ पाएगा मेरी खुशी बहुत कि मैं पहली बार थाने आया मेरे खुद की गाड़ी लेके गए। ये इतनी बड़ी खुशी हो गई नहीं सबकी और मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पे आया कि। और अभी हम लोग जा रहे पावना लेक, यहाँ से 2 किलोमीटर ही है भाई, बराबर जा रहे हैं ना पक्का देख भाई। तो अभी जा रहे हैं पावना लेक, पावना लेक होने के बाद घर पे, और कुछ नहीं सॉरी और कुछ नहीं। तो मैं बहुत खुश हूँ, हिमालय मेरा आवाज बहुत ही अलग आ रहा होगा आपको। लुक एट द बिल्डिंग मैन, अरे आपको मालूम नहीं होगा यार, अभी आप बहुत लोग मेरे वीडियो को पकड़ो तो मुंबई से लेते होंगे, सी एस टी बदलापुर मतलब बदलापुर नहीं बड़े बड़े सिटी से लेते होंगे, उनको का आदत है सब एरिया का, जो मेरे को नहीं भाई। अपने डोंबिवली में तो नहीं है, डोंबिवली की बुरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डोंबिवली में तो नहीं है ये थाने में। क्या यार स्वर्ग ऐसा लग रहा है, अरे मुंबई बहुत ही अच्छा। कहाँ पे सीधा ना, कहाँ पे लू, कहाँ पे लू सीधा और सीधा मेरे हाथ यहाँ से नीचे नहीं, मेरे हाथ आता कुटे 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 किधर हो, किधर सीधा सीधा बोले ना पक्का क्या। अरे यार तो हवा ना और उपवन लेक थोड़ा सा ही दूर यार, और बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को राइडिंग करने को। मेरा सपना जो था वो पूरा हो गया, तेरे एसएम कैंप अपने ग्लोव खुद की गाड़ी और निकलो जिधर चाहे उधर, वही मेरा सपना था यार, आज पूरा हो गया। और अरे बाप रे स्पीड ब्रेकर ने तो लगा दिया यार, अच्छे सपने में था मैं, अपने क्या उड़ा दिए सारे भिखारी। अरे अरे यार चढ़ो ले ठीक, गाड़ी ब्रेक तो मारा गाड़ी आराम से ऊपर ले ली, दबा सी रहने की मेरे में साफ साफ हो गए। कहाँ पे लेफ्ट ही तो है सारे, ओ ओ गाइस ओपन लेग एंट्री कहाँ पे है लेकिन भाई एंट्री तो गाइस। अरे सो गाइस फाइनली वी रीच हियर, और अभी मेरे जो पूरे पीछे आपको दिख रही है वो पूरी उपवन लेक है, और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और निकलेंगे क्योंकि यहाँ को देखने के लिए है भी नहीं यहाँ पे, वैसे तो मैं सिर्फ राइडिंग के हिस्से आया था यहाँ पे। और ये जो आपको दिखाता हूँ ये जो है ये पूरी ओपन लेक है, हम लोग थोड़ा कोपचे में आए क्योंकि यहाँ पे सब पूरा कपल्स पॉइंट है, और यहाँ पे सारी जगह पे कपल्स ही बैठे हुए थे, तो यही जो रोड दिखा हम लोगों को जो बहुत ही अच्छा था इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो वहाँ से व्यू दिखने का आपको तो वहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं, लेट्स गो। सो गाइस ये है वो पावना लेक जो कि देखने लायक कि मेरे बहुत फट रही है, अगर खड़े होने में मेरा फ़ोन गिर सकता है नीचे। आपको मैं मेरे सीक्रेट चीज़ बताऊँ क्या, जाते टाइम बताऊँगा। ओहो ये जो जगह है ना थोड़ी टाइम पास करने के लिए, एक मिनट आपको मैं मेरा फेस दिखा के बात करता हूँ, ऐसा नहीं जगह है ना ये सब मतलब कम्प्लीटली अपना कपल्स लोगों के लिए चिल मारने के लिए बनी है, टूरिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं, देखने के लिए अगर कुछ है नहीं, सिर्फ पानी है, पानी को ये देख लो और कुछ नहीं, टाइमलेस एंजॉय करते। तो
सो गाइस लिविंग टू दिस प्लेस नाउ, और अभी हम लोग कुछ खाने का ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो फिर चलते हैं क्योंकि वहाँ पे जाने को नहीं मिला, बोटिंग बंद है दोपहर का टाइम है, इसलिए ठीक है मालूम नहीं तो जाते हैं। मुझे मालूम है वहाँ पे कहते हैं शॉट दिखा नहीं पाया हमें कि बहुत सारे लोग फोटोशूट ही जो जगह पकड़ लेके कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग तो जा नहीं पाएंगे भाई, वो खुद ही कर रहे थे। हेलो गाइस, सो मुझे मालूम है कि आज का व्लॉग थोड़ा सा फालतू बन गया था, क्योंकि आने के टाइम पे मेरा ये बन गया कम्प्लीटली, मेरा जो एसडी कैम की बैटरी है वो कम्प्लीटली डेड हो चुकी थी। मेरे को आते टाइम मोटो व्लॉग नहीं बनाने को जमा, लेकिन मेरा पहला मोटो व्लॉग था इस बार के, तो आपको लाइक देना ही चाहिए और सब्सक्राइब भी कर देना, और उसके बाद पहला मोटो व्लॉग था इसलिए मेरा बैटरी में हर बार मैं बैटरी भूल जाता चार्ज करना, और उसके वजह से आज भी मेरा बैटरी चार्ज करना रह गया, और चार्जिंग नहीं होने के कारण जाते टाइम चली लेकिन आते टाइम बंद पड़ गया मेरा कैमरा। तो अभी जस्ट ये आने के बाद भी क्या व्लॉग बना था सब देख तो लिया था आपने। व्लॉग एंड करने के लिए फिलहाल के लिए तो मेरा दोस्त डेविडी के घर पर आया, और अभी आपका व्लॉग के लिए क्या बताओ अभी आपको, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और कुछ नहीं, सायनारा। We'll be right back.